फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे मौलाना आज़ाद के मॉडल पेपर को जो कि 2020 में आपका होने वाला है। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन पेपर। यहां पे जिस तरह आपको दिख रहा होगा कि प्रैक्टिस सेट है ये, तो प्रैक्टिस सेट के तौर पे इसे लीजिए और आंसर करने की आप लोग कोशिश कीजिए। ये आज जो हम सब्जेक्ट हमारा है उर्दू है, ठीक है। तो उर्दू हम करेंगे, जो लोग स्पेशल उर्दू से बीएड करना चाहते हैं उनके लिए फ़ायदेमंद है, या फिर जो उर्दू से नहीं है फिर भी मालूम है चूँकि सारे क्वेश्चंस आपके उर्दू में बनाए जाते हैं, तो उसके हवाले से भी आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, आप लोग आंसर करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। किस मशहूर नसर निगार ने वलीद अकनी को उर्दू शायरी का बाबा आदम करार दिया है? आपके ऑप्शन यहाँ पे हैं मौलाना शिबली, दो में है मौलाना हारी, तीन में है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, चार में है सर सैयद अहमद ख़ान। तो क्या होगा एक का सही जवाब, यानी किस मशहूर नसर निगार ने वली दकनी को उर्दू शायरी का बाबा आदम कहा? कभी कभी सवाल यहाँ से बनता है कि किस शख्स को बाबा आदम का लकब दिया गया, ठीक है। यहाँ सवाल बनता है किस शख्स को बाबा आदम कहा गया, तो वहाँ पे वली दकनी हो जाता है। तो सवाल कभी कभी घुमा के पूछा जाता है, इसी सवाल से दो सवाल बनता है, लेकिन आप थोड़ा सा अगर एनालिटिकल माइंड नहीं लगाइएगा तो दुश्वारी होगी। तो इसका सही जवाब क्या होगा, क्वेश्चन नंबर एक का ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। तो प्लीज़ आप लोग आंसर करने की कोशिश कीजिए, और जब तक मैं डिफाइन कर रहा हूँ तब तक आप सोच सकते हैं, आप अपने आंसर कर सकते हैं और एक कॉपी पेन लेके बैठे ताकि आप लोग भी आंसर करते जाएं और लास्ट में देखें कि आपका कौन सा आंसर सही हो रहा है, उसके हिसाब से आप अपने रॉन्ग राइट का डिक्लेरेशन करके आउट ऑफ 15 कितने सही हुआ उसे बताने की कोशिश करें तो अच्छा होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर टू में कहा जा रहा है कि यह शेर किस शायर का है, यानी ज़मीनें चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, यह शेर किसका है आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पे हैं मीर तकी मीर, आतिश, नासिख या वली दकनी। तो टू का सही जवाब क्या होगा, ज़मीनें चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। तो टू का जो सही ऑप्शन होगा बिल्कुल यह आतिश जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं, आप लोग दोस्तों को शेयर कर दीजिए जो कोई भी मान लो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि वो लोग भी इससे फ़ायदा उठा सके, क्योंकि काफ़ी मेहनत करके ये प्रैक्टिस सेट सेट किया जाता है ताकि आप लोग के लिए आसानी हो, दुश्वारियां जो इससे पहले कि लोगों को आई हैं वो ना हो। अब इसके हवाले से कॉन्टेंट इसी वजह से आप लोग को दिया जा रहा है। तो बताइए तसनीफ दरियाए लताफत किस मौजू पर तहरीर की है, यानी दरिया लताफत एक बुक है इस किस टॉपिक पे लिखी गई है, उर्दू शायरी पर है, उर्दू नसर पर है, उर्दू कवायद पर है, उर्दू अदब पर है। तो थ्री का सही जवाब क्या होगा, ये दोस्तों जो है ये आपका एक तरह ग्रामर का है, ठीक है, ये ग्रामर बुक है, तो कह सकते हैं कि उर्दू कवायद जो है ये आपका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर में कहा जा रहा है कि रानी केतकी की कहानी किस सिंफ से ताल्लुक़ रखता है, सिंफ कह सकते हैं कि ब्रांच, सब्जेक्ट, ठीक है, ये मान सकते हैं टाइप्स वगैरह जो भी हो, तो किस सिंफ से ताल्लुक़ रखता है, दास्तान है, नावल, मुख्तसर अफसाना या ड्रामा। पुरानी कैद की कहानी किस सिंफ से ताल्लुक़ रखता है, इसका सही जवाब क्या होगा, आप लोग आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो चार का जो सही ऑप्शन होगा वो आपका मुख्तसर अफसाना है, तो ठीक है। तो चार का ऑप्शन थ्री जो है बिल्कुल सही हो जाएगा कि रानी कैद की कहानी एक मुख्तसर अफसाने सिंफ से ताल्लुक़ रखता है। क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव में कहा जा रहा है इब्नुल वक्त किसका नावल है, डिप्टी नज़ीर अहमद, प्रेमचंद या प्रोफेसर मोहम्मद हुसैन फरहतुल्ला। तो क्या होगा इसका सही जवाब, इब्नुल वक्त किसका नावल है, क्वेश्चन नंबर फाइव का सही जवाब जो हो जाएगा वो अगर आप बताना चाहें तो आप अपने कॉपी में टिक कर लीजिए, अदरवाइज इसका जो सही आंसर होगा वो आपका फाइव का वन जो है बिल्कुल ये करेक्ट हो जाएगा, यानी इब्नुल वक्त ये डिप्टी नज़ीर अहमद का है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स में कहा जा रहा है फारसी में लिखी गई किताब तुज़्के बाबरी का ताल्लुक किस सिंफ से है, तो तुज़्के बाबरी एक किताब है और कभी कभी पूछा जाता है कि तुज़्के बाबरी किस जबान में लिखी गई है, आपका हिंदी, उर्दू, इंग्लिश दे देगा, तो आपको ध्यान में रखना है कि तुज़्के बाबरी जो किताब लिखी गई है वो आपका पर्शियन में है, फारसी में है, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। लेकिन यहाँ पर जो पूछा जा रहा है कि किस सिंफ से ताल्लुक़ रखता है, सफ़रनामा है, नावल है, ठीक है, आपबीती है या ड्रामा, तो क्या होगा इसका सही जवाब, क्वेश्चन नंबर छः का सही जवाब क्या होगा, तो यहाँ पे जो आपबीती है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर छः का ऑप्शन थ्री बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, मुसाफिर लंदन किसकी तसनीफ है? मुसाफिर लंदन किसकी तसनीफ है? तसनीफ कहते हैं लेखन, ठीक है, या इसके राइटर कौन है, लेखक कौन है? तो कृष्णचंद्र यहाँ पे ऑप्शन एक में है, दो में है सर सैयद अहमद खान, रियाजुद्दीन या इब्ने इंशा। तो क्या होगा इसका सही जवाब? 7 का सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब जो होगा वो आपका बिल्कुल हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी सर सैयद अहमद खान। मुसाफिर लंदन ये सर सैयद अहमद खान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है उर्दू जबान के पहले नक्काद होने का एजाज किस शायर को हासिल है? नक्काद किसे कहते हैं? ठीक है, नक्काद कहते हैं क्रिटिसाइजर। क्रिटिसाइजर मतलब कह सकते हैं कि किसी को क्रिटिसाइज करना, ठीक है, हिंदी में उसको बोलते हैं कि कह सकते हैं कि आलोचना करना किसी चीज़ पे, एक तनकीदी नज़रिया देना, ठीक है। तो नक्काद होना एक तरह का क्रिटिकल माइंड रखना, तो ये इससे संबंधित है। तो उर्दू ज़बान के पहले नक्काद होने का एजाज़ किस शायर को हासिल है? आपके ऑप्शन यहाँ पे मीर तकी मीर है, कुली कुतुब शाह, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा या फिर मसहफ़ी। तो क्या होगा 8 का सही जवाब? 8 का सही जवाब जो होगा वो बिल्कुल आपका ऑप्शन 1 जो है मीर तकी मीर यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन 1 का मीर तकी मीर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 9। इंशाइया के मौजिद कौन कहलाते हैं? इंशाइया के मौजिद कौन कहलाते हैं? प्रेमचंद, सर सैयद अहमद खान, डिप्टी नज़ीर अहमद, मौलाना हाली। तो आप लोग आंसर करने की कोशिश कर सकते हैं। तो इंशाइया के मौजिद कौन कहलाते हैं? मौजिद कहते हैं आविष्कारक या फिर अंग्रेजी में उसको बोलते हैं इन्वेंटर। तो कौन कहलाते हैं आपको बताना है कि 9 का सही जवाब क्या होगा? सवाल नंबर 9 का सही जवाब जो होगा वो बिल्कुल सर सैयद अहमद खान, ठीक है। तो हिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चंस उर्दू में पूछ लिए जाते हैं क्योंकि उनका ताल्लुक कहीं कहीं उर्दू से रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा मीर अनीस को कौन से सिंफ में शोहरत मिली? सिंफ कहते हैं ब्रांच को शोहरत मिली, प्रसिद्धता कह सकते हैं उसे या पॉपुलरिटी मिली उनको। तो किस ब्रांच में मीर अनीस को शोहरत मिली या मीर अनीस किस ब्रांच में ज़्यादा पॉपुलर हुए, ठीक है, ऐसे सवाल भी बन सकता है। तो मर्सिया में या फिर कसीदा, मसनवी या फिर नज्म। तो मीर अनीस को किस सिंफ में शोहरत मिली आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है और मीर अनीस से अगर सवाल बनता है तो ये ऐसे ही बनता है कि मीर अनीस को किस सिंफ में शोहरत मिली या मीर अनीस का ताल्लुक किस सिंफ से है या सबसे बड़े या मशहूर मर्सिया निगार कौन है। तो ये यहाँ पे मर्सिया निगार जो है बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। मीर अनीस को जो शोहरत मिली थी वो मर्सिया निगारी में। तो मर्सिया जो है मर्सिया एक तरह का होता है कि गम के आलम में, ठीक है, इसको लिखा जाता है कोई मर जाए। तो कदीम ज़माने में ऐसा था कि कोई मर जाता किसी के यहाँ गम के आसार होते या कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती थी तो वहाँ पे मर्सिया पढ़ा जाता है। आज भी कुछ मौाक़े पे इसको फॉलो किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे 1 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 नंबर देखते हैं, किस नाविल को उर्दू का पहला नाविल करार दिया जाता है? किस नाविल को उर्दू का पहला नाविल करार दिया जाता है? बेनातु नाश, इब्न रुबा, फसाने आज़ाद या मरातुल उरूज। तो 11 का सही जवाब क्या होगा? 11 का सही जवाब देखेंगे मरातुल उरूज, ये बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 नंबर देखते हैं, 12 में कहा जा रहा है कि मुंशी प्रेमचंद की वजह शोहरत क्या थी? मुंशी प्रेमचंद की वजह शोहरत क्या थी? ड्रामा, नॉवेल, अफसाना या शायरी। मुंशी प्रेमचंद किस वजह से प्रसिद्ध हुए, मशहूर हुए, नेम फेम कमाए, किस वजह से, ये आपको बताना है। ड्रामा की वजह से, नॉवेल की वजह से, अफसाना निगारी की वजह से या शायरी की वजह से। 12 का सही जवाब क्या होगा? तो 12 का जो सही जवाब होगा वो आपका अफसाना, ठीक है। तो मुंशी प्रेमचंद को जो शोहरत मिली अफसाना की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर। 13 में कहा जा रहा है मशहूर दास्तान सबरस किस अदीब ने तस्नीफ की? सबरस के बारे में पूछा जा रहा है इसके राइटर कौन है? मुल्ला वधी आपका ऑप्शन 1 में है, 2 में है मोहम्मद हुसैन आजाद, 3 में मीर आता हुसैन, 4 में है हैदर बख्श हैदरी। तो क्या होगा इसका सही जवाब? इसका 13 का सही जवाब क्या होगा? अगर आपको पता है तो अपने कॉपी में इसका आंसर टिक कर लीजिए और आपका 15 आपके कितने सही हो रहा है प्लीज बताने की जहमत करें, ठीक है। तो क्या होगा 13 का सही जवाब? 13 का सही जवाब भी हो जाएगा सबरस के जो राइटर है वो मुल्ला वली, तो ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 14 में कहा जा रहा है मुंशी प्रेमचंद का असल नाम क्या है? ये क्वेश्चन बन जाता है बहुत सारे एग्जाम में, नाम असल नाम पूछा जाता है। तो देख लेते हैं कि धनपत राय ऑप्शन दिया हुआ है या फिर आपका रघुपति सहाय है, रामलाल, गोपीचंद, नारायण। क्या होगा मुंशी प्रेमचंद का असली नाम क्या है?
तो 14 का जो सही जवाब होगा वो बिल्कुल आपका जो ऑप्शन वन है वो सही हो जाएगा, धर्मपत राय। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है आपको सही हो जाएगा। और ये फिराक गोरखपुरी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्या लास्ट क्वेश्चन आज का, और पहली बार चैनल पे आए जो लोग भी देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप मानू के परीक्षार्थी हैं, सोच रहे हैं कि मानू में स्ट्रेटजिकली वे में आपका एडमिशन हो जाए और अच्छे नंबर हो जाए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसलिए कि यहाँ के जो वीडियोस आपको दिए जाते हैं एक तरह का एनालिसिस करके दिए जाते हैं, अच्छे कॉन्टेंट्स होते हैं, मानू के प्रीवियस ईयर पेपर को देख के बनाया जाता है। तो चैनल अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपकी तैयारी इंशाल्लाह यहाँ से अच्छी हो जाएगी। तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इनमें से कौन सा मामले प्रेमचंद का नहीं है? ठीक है, नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। कभी कभी ऐसा होता है, ये आप कोई सा भी एग्जाम दे, इवन कि सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं या फिर कोई सा भी एग्जाम दे तो नहीं वाला जो क्वेश्चन होता है काफी कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन होता है। ठीक है, यहाँ पे गौर करना होता है। तो जैसे कि असरार माहिर है या मैदान अमल है, गोश है, आफियत है, खुदा की बस्ती है, तो आपको ऑटोमेटिक पता चलेगा असरार माहिर तो है, तो आप आंसर मान लेंगे क्योंकि यहाँ पूछ क्या रहा है नहीं। ठीक है, दिस वन ऑफ देम इज नॉट बिलोंग टू नॉवेल ऑफ प्रेमचंद, की कौन सी नॉवेल है जो प्रेमचंद की नहीं है, तो नहीं आपको फाइंड आउट करना है। तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा खुदा की बस्ती, ये शौकत सिद्दीकी का है, तो ये आपको गौर करना है। तो क्वेश्चन करते वक्त आपको समझना सबसे ज्यादा जरूरी है कि क्वेश्चन में पूछा क्या जाता है, आंसर देने से पहले आपको आंसर क्वेश्चन को समझना जरूरी होता है। तो ये कुछ बातें थी जिसे आपको गौर करने की जरूरत है। मैंने कोशिश किया कि अच्छे वे में आपको क्वेश्चन दे सकूँ, फिर भी कमेंट करके आप बताएं, वीडियो को लाइक करें, आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। फिर दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा।